हेलो दोस्तों, मैं हूं दक्षेश। स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सप्लेनेशन विद दक्षेश में। तो आज मैं जो मूवी की बात करने वाला हूं उसका नाम है ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा। मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने कैलाश पर कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया, जिसमें एक शक्ति धरती पर आके टकराती है, जिससे बहुत सारे अस्त्रों का निर्माण हुआ। लेकिन सभी शक्तियों के बीच एक नई शक्ति का भी जन्म हुआ। यह शक्ति निर्माण भी कर सकती है और संहार भी। और इसी तरह हिमालय में सबसे शक्तिशाली अस्त्र का निर्माण हुआ, जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। ऋषि मुनियों ने उसके सामने अपना सर झुकाया और तब से वो जाने जाने लगे ब्रह्मांस। पीढ़ी दर पीढ़ी अस्त्र आगे सबको मिलते रहे। नए लोग इनका इस्तेमाल करना सीखते रहे। उनका काम था ब्रह्मास्त्र की रक्षा करना, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जिसके भी पास होगा वो सारी शक्तियों का अधिपति होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पर शिवा को दिखाया जाता है, जो कि एक डीजे होता है। वहाँ पर दशहरा की पार्टी चल रही थी। वहीं पर वो पहली बार ईशा को देखता है और देखता ही रह जाता है। और यहाँ पर रावण भी जल रहा होता है कि तभी शिवा को फ्लैशेस दिखने लगते हैं। वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को देखता है जिसका नाम मोहन होता है। तभी यहाँ पर जोर और रफ्तार नाम के दो लोग आ जाते हैं और वो ब्रह्मास्त्र के टुकड़े के लिए यहाँ पे आए होते हैं। वास्तव में बहुत साल पहले जब ब्रह्मास्त्र में बहुत शक्ति थी तो उसे बुराई से बचाने के लिए उसके तीन टुकड़े किए गए होते हैं और उसका एक टुकड़ा मोहन के पास था, क्योंकि मोहन भी ब्रह्मांस था। मोहन के पास वानर अस्त्र होता है तो वो उसका यूज़ करके ऊँची छलांग मारकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो दोनों आदमी के जाने के बाद वो वापस आ जाते हैं और वो ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को निकाल लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे जुनून आ जाती है। जुनून ब्रह्मास्त्र के उसी टुकड़े के लिए यहाँ पर आई होती है। जुनून यहाँ पर अपनी काली शक्ति का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेती है। उसे एक टुकड़ा मिल गया होता है और दूसरे दो टुकड़े के लिए वो मोहन को टॉर्चर कर रही होती है। मोहन काफ़ी देर तक अपने आप को रोकता है, लेकिन आखिर में वो अपनी हिम्मत हार जाता है। सीन चेंज होकर हमें शिवा को दिखाया जाता है। शिवा को फ्लैशेस में ये सब दिख रहा होता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। उसे होश आता है, लेकिन तब तक ईशा वहाँ से चली गई होती है। शिवा अब दूसरी पार्टी में जाता है। वहाँ वो ईशा को वापस देखता है। इस बार वो ईशा से जाकर बात करता है और दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं। अब वो ईशा को अनाथ आश्रम में लेकर जाता है, जहाँ पर वो बड़ा हुआ था। यहाँ पर एक बच्चे की बर्थडे पार्टी होती है। पार्टी के बाद शिवा ईशा को अपने रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर वो बताता है कि जब वो छोटा था तब वो अपने माँ के साथ यहाँ पर रहता था। लेकिन एक दिन पूरे कमरे में आग लग जाती है, जिसमें उसकी माँ की मौत हो जाती है, लेकिन वो बच गया था। बाद में बड़ा होकर वो उसने उसी कमरे को रेंट पर ले लिया था, ताकि वो खुद को अपने माँ के करीब रख सके। उसकी माँ ने उसको एक शंख दिया था और वो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ईशा अब उससे काफ़ी पसंद करने लगी थी। शिवा को अब वापस फ्लैशेस देखने लगते हैं। मोहन को काफ़ी टॉर्चर किया जा रहा था, वो अब टूट चुका था। जुनून उसके दिमाग में जाकर पता कर लेती है कि दूसरा टुकड़ा बनारस में रहने वाले किसी अनिश नाम के आदमी के पास है और तीसरा टुकड़ा किसी गुरुजी के पास होता है। इससे पहले कि गुरुजी के आश्रम के बारे में पता चले, मोहन खुद को पुश करके बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है और सुसाइड कर लेता है, ताकि जुनून को पता ना चल सके कि गुरुजी का आश्रम कहाँ पर है। शिवा अब दूसरे दिन ईशा को इन सारी बातों के बारे में बताता है। उसने सपने में मोहन को देखा, जो साइंटिस्ट होता है, लेकिन उसकी मौत हो गई। अखबार में बताया गया कि उसने मार कर दिया था, लेकिन वास्तव में उसे जुनून ने मार दिया था। ईशा कहती है उसे उस पर पूरा विश्वास है। इसके बाद वो बनारस अनिश को मिलने के लिए जा रहा होता है, तो ईशा भी उसके साथ जाती है। बनारस में जब वो लोग बोट में होते हैं, तभी अचानक से आग शिवा के हाथ में आ जाती है। ईशा इसे देखकर बहुत डर जाती है। शिवा कहता है कि वो आग से नहीं जलता, बचपन से ही उसका आग के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है। पहले तो ईशा गुस्सा करती है, लेकिन शिवा ने ये बात नहीं बताई थी, लेकिन फिर वो मान जाती है। उसके बाद वो अनिश को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जुनून अपने आदमी के साथ अनिश के पीछे लग जाती थी। उसमें से एक आदमी वो वानर अस्त्र पहन चुका होता है, जो मोहन के पास होता है। अब वो ईशा पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी अनिश आके उनको नंदी अस्त्र का यूज़ करके सबको बचा लेता है और वहाँ से निकाल लेता है। वो तीनों आश्रम के लिए निकल जाते हैं। अनिश को गोली लगी थी, लेकिन उसके पास नंदी अस्त्र होने की वजह से वो ठीक हो जाता है। उसके बाद शिवा को वापस फ्लैशेस दिखते हैं। इस पर शिवा को एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखती है, जिसके सामने जुनून खड़ी थी। मतलब कि यही जुनून का देवता है, जिसके लिए वो ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को हासिल करना चाहती है। शिवा बताता है कि उसके पीछे ट्रक में जुनून आ रही है, क्योंकि उसने जुनून को फ्लैशेस में देख रहे होते हैं। उसके बाद अनिश कहता है कि वो कार से वो टुकड़े को लेकर आश्रम के पास जाए। अनिश के पास जो टुकड़ा था वो ईशा को दे देता है। वो दोनों टुकड़े कार अब अनिश अपने अनंदेश्वर का यूज़ करके उस ट्रक को एक मुक्का मारकर चकनाचूर कर देता है।
लेकिन उस पर लगातार प्रहार हो रहा था, उसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाता है। शिवा ये सब देख रहा था, इसलिए वो अनिश को मोटिवेट करता है और अनिश ट्रक को पलट देता है। ट्रक खाई में गिर जाती है, लेकिन उससे पहले जुनू ने रक्षा का कवच ऑन कर लिया था, जिससे वो और उसके आदमी बच जाते हैं, लेकिन अनिश मर जाता है। अब जो तीसरा आदमी शिवा और ईशा का पीछा कर रहा था और उसके बीच धमाकेदार फाइट होती है, लेकिन शिवा उसे खाई में गिरा देता है और वो अब आश्रम के पास पहुंच गए होते हैं। लेकिन वहां पे वो तीसरा आदमी खाई से निकलकर वापस आ जाता है, क्योंकि वो लटक कर बच गया होता है। जब वो ईशा पर हमला करने वाला होता है और शिवा को लगता है कि अब ईशा मर जाएगी, तब उसे अंदर से अग्निअस्त्र की शक्ति निकलती है और वो उसे जलाकर दूर फेंक देता है, लेकिन वो बेहोश हो गया था। जब उसे होश आता है तो हम देखते हैं कि उसके सामने गुरुजी पहले से ही खड़े थे और उसके साथ में कई सारे लोग होते हैं जिसके पास अलग अलग अस्त्र होते हैं। गुरुजी बताते हैं कि मुश्किल नहीं आ गई है, उसे लड़ना पड़ेगा। उसमें थोड़े यंग लोग भी होते हैं जो अपने अस्त्रों को चलाना सीख रहे थे, लेकिन शिवा कहता है कि वो इनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो ईशा को खोना नहीं चाहता। वो जा रहा था, लेकिन तभी गुरुजी कहते हैं, अगर तुम्हें अपने माता पिता के बारे में जानना है तो यहीं रुकना होगा। ये सुनकर वो वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि उसे अपने पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं था। गुरुजी ईशा को शिवा का सारा सामान ले लाने के लिए भेज देते हैं और उसके साथ उसकी रक्षा करने के लिए कुछ ब्रह्मांश को भी भेजते हैं। अब शिवा की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, लेकिन वो अपने आप आग नहीं लगा पाता था। अब जब वो अपने रूम में था तब उसे फ्लैशेस आते हैं कि जुनून का एक आदमी ईशा पर हमला करता है। उसके पास अब नंदी अस्त्र हो चुका होता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र के अंश के आदमी ईशा को बचा लेते हैं, लेकिन ईशा को थोड़ी चोट लग जाती है। इसी शिवा बहुत परेशान हो जाता है, जिसके बाद उसकी शक्ति जागृत हो जाती है। वो गुरुजी को बताता है कि वो आग से डरता है, क्योंकि आग की वजह से उसकी माँ की मौत हो गई थी। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि ईशा का प्यार और आग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फाइनली वो अपनी शक्ति को यूज़ करना जान गया था। उसके बाद हम जुनून को देखते हैं जो काफ़ी गुस्से में आ गई थी, जो उस काली मूर्ति के पास आ चुकी होती है और उसके पास ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा होता है और वो अपने देवता को कहती है कि उसे और शक्ति चाहिए ताकि वो दो टुकड़े को हासिल कर सके। उस मूर्ति में से दो टुकड़े निकलकर शक्ति बनकर जुनून के पास आ जाते हैं। उस टुकड़े में ऐसी शक्ति थी कि इसे जो भी पहन लेगा वो अपने देवता के वश में हो जाएगा। जुनून इसको लेकर हिमालय में फैल जाती है और बहुत सारे लोगों को अपने वश में कर लेती है, क्योंकि उसे पता था कि आश्रम यहीं कहीं है। उसमें जब एक आदमी शिवा का पीछा करता है, उसी तरफ भागता है। गुरुजी समझ जाते हैं कि अब लड़ाई का समय आ चुका है, इसलिए वो शिवा को अपने पिता की स्टोरी सुनाने लगता है। वो कहता है कि उसके माता पिता का नाम अमृता और देव था। अमृता के पास पानी की पावर थी और देव के पास अग्नि की पावर थी। में रहते थे और तब ब्रह्मास्त्र के टुकड़े भी नहीं हुए थे, लेकिन देव बहुत ही शक्तिशाली था, उसके पास अग्नि पावर थी, लेकिन साथ वो और तीन अस्त्रों को भी धारण करता था और इसी के साथ उसे ब्रह्मास्त्र भी चाहिए था। वो ब्रह्मास्त्र के करीब पहुंच गया था कि तभी उसे रोकने के लिए अमृता आती है और उसके बीच फाइट होती है और अमृता ब्रह्मास्त्र को तीन टुकड़े कर देती है। दो टुकड़े नाव में वो छोड़ देती है जो गुरुजी को मिलते हैं, और एक टुकड़ा कहाँ पर गया वो किसी को पता नहीं था। और जिस टापू फाइट हुई थी उस टापू को समुद्र ने अपने अंदर संभाल लिया था। अब तीसरे टुकड़े के बारे में गुरुजी को भी पता नहीं था, लेकिन अब शिवा के अंदर वही शक्ति देखी तो वो समझ जाते हैं कि अमृता ने उसी टाइम कैसे भी करके जिंदा बच गई थी और उसका बेटा हुआ। एक साल तक वो जिंदा रही अपने बेटे के साथ, लेकिन उसके बाद वो मौत हो गई। ईशा सारा सामान लेकर वहाँ पे वापस आ जाती है और अब शिवा के अंदर भी देव की शक्ति थी, अग्नि की पावर है। उसके साथ वो बताते हैं कि उसकी माँ ने जो शंख दिया था असल में वो मायास्त्र है। मायास्त्र एक ऐसा अस्त्र होता है वो जब तक नहीं खुलता जब तक उस पर उसके मालिक का खून ना गिरे। अब शिवा के अंदर भी अमृता का खून था, तो जैसे ही उसका खून वो शंख पर पड़ता है तो वो शंख बॉक्स में बदल जाता है और उस बॉक्स में से तीसरा टुकड़ा निकलता है। अब हमें पता चलता है कि देव वही काली मूर्ति होता है जिसके लिए जुनून को ब्रह्मास्त्र चाहिए था, क्योंकि देव अभी भी पूरी तरह से मरा नहीं था और ब्रह्मास्त्र से वो फिर से जिंदा हो सकता था। वो गाँव में पहुँच गए होते हैं जहाँ पर जुनून ने सभी को वही पत्थर पहना दिया होता है और सब वो लोग वही उसकी आर्मी बन गए थे। अब शिवा के पास भी वो टुकड़ा होता है, क्योंकि उन्होंने वो टुकड़ा उस आदमी से निकाल दिया था जो उसके पीछे आया था। शिवा उस टुकड़े को पहन लेता है और उसके बाद वो सीधे देव की मूर्ति के सामने पहुंच जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो मूर्ति उसके अंदर उसके पिता होते हैं।
लेकिन वो पत्थर पहनने से जुनून भी उसके दिमाग में चली जाती है और उसे आश्रम का पता चल जाता है और अब वो आश्रम की तरफ आने लगते हैं। सबको पता चल जाता है कि जुनून उसके आश्रम की तरफ आने लगती है तो वो लोग वहाँ से सामान पैक करके निकलने लगते हैं। ईशा भी उसके साथ निकल गई थी लेकिन तभी जुनून की आर्मी वहाँ पर पहुँच कर उस पर अटैक कर देती है और अब ज़ोरदार फाइट सीन होता है लेकिन सभी को बंदी बना लिया जाता है। अब जुनून के पास दो टुकड़े होते हैं, उसके पास भी एक अस्त्र होता है क्योंकि उसे पता था कि तीसरा टुकड़ा कहाँ पर है। पर तभी वहाँ पर तीसरे टुकड़े के साथ शिवा आ जाता है, वो यहाँ पर जुनून के साथ फाइट करता है। जुनून शौक में पड़ जाती है क्योंकि उसके देवता के अलावा कोई और भी है जो अग्नि को अपने कंट्रोल में कर सकता है। पर फिर जुनून फुल पावर के साथ फाइट करती है, तब शिवा की असली पावर आ जाती है और वो बहुत ही बड़े रूप में आ जाता है। जुनून समझ जाती है कि आग से उसे नहीं हराया जा सकता, तो अब वो अपने देवता से मदद मांगती है और उस पर पानी का अस्त्र आ जाता है। होता है वो जुनून भी थोड़ी बहुत उसका इस्तेमाल कर सकती थी और वो बारिश कर देती है जिसकी वजह से शिवा की आग शांत हो जाती है। लेकिन पानी का अस्त्र अमृता के पास था, इसका मतलब अमृता को जानबूझकर मार दिया गया था और उसका अस्त्र छीन लिया गया था और शायद उसे भी देव ने। और अब जुनून वो तीसरा टुकड़ा लेकर वहाँ से भागने लगती है। अब बाकी सारे ब्रह्मांस ने खुद को आज़ाद करवा लिया था और वो भी अपने अस्त्र से शिवा और ईशा की मदद करते हैं। सब यहाँ पे जनसिन होती है और ईशा बिल्कुल खाई के पास खड़ी हुई थी। उसके पास इस वक्त दो टुकड़े होते हैं। अब इसके साथ जो छोटा लड़का होता है जिसके पास भी एक अस्त्र होता है, वो तीसरा टुकड़ा लेकर आ जाता है। अब जुनून भी वहाँ पर आ जाती है, शिवा अपने अग्नि अस्त्र के साथ फाइट करता है। लेकिन तब तक बाकी सारे ब्राह्मण्स वहाँ पे आ गए थे और गुरुजी भी उनकी मदद कर रहा होता है। इस फाइट में जुनून खाई में गिर जाती है। ईशा को लगता है कि वो लोग जीत गए हैं लेकिन जुनून फिर से आ जाती है और शिवा भी बुरी तरह से घायल हो चुका था। जुनून तीनों टुकड़े को छीन लेती है। फाइनली ब्रह्मास्त्र जुड़ चुका था लेकिन उसने ब्रह्मास्त्र को पकड़ा था और ब्रह्मास्त्र की शक्ति वो झेल नहीं पाई थी, उसकी वजह से जुनून की मौत हो जाती है। ब्रह्मास्त्र जागृत होने पर अब वापस भूचाल आने लगा था और सारी चीज़ें टूटने लगी थी। ईशा खाई के पास होती है और वो मरने ही वाली होती है। शिवा के लिए ईशा सबसे इम्पोर्टेंट होती है और कुछ नहीं था, इसलिए वो भागकर उसके पास जाता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। और पहली बार वो बाहरी अग्नि की बजाय अपने अंदर से अग्नि प्रकट करता है और कवच बनाकर ईशा को बचा लेता है। लेकिन उसकी पावर इतनी होती है कि वो ब्रह्मास्त्र को भी कंट्रोल कर लेती है और ब्रह्मास्त्र शांत हो जाता है। अब शिवा को जो लगता है कि ब्रह्मास्त्र शांत हो चुका है और सही सलामत है तो उन्हें लगता है कि वो जीत गए। लेकिन हम देखते हैं कि जिस वक्त जुनून ने ब्रह्मास्त्र को जागृत किया उसी टाइम ब्रह्मास्त्र की सारी पावर उस मूर्ति पर पड़ती है और मूर्ति टूट जाती है और अंदर से निकलता है अग्निदेव। और ये पार्ट वन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।